तो फेरी टेल के ब्रांड न्यू एपिसोड का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर हैं भाई। जल्दी जल्दी ख़त्म करना है इसको। क्रिकेट आ गया था ना अभी, तो क्रिकेट के कंटेंट पे वीडियो बनाए थे तो इस पर थोड़ा सा डिले हो रहा था, उसके लिए सॉरी। चलो देख लेते हैं भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए। शुरू करते हैं अभी। गो गो। ए, तो वो ठीक ही रहा था, गाड़ी मुझे पार्किंग में ही पार्क करनी चाहिए थी। एहसास हो गया। गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब हम टीवी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बेचारा उस दिन मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आया और मेरे हर्ट होने की भी फिक्र कर रहा था। आई थिंक मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, मगर क्या, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है इनके दिल में भी। अब ये जो भी करेंगे मेरे ख्याल से गड़बड़ कर देंगे क्योंकि ये गड़बड़ी करती है हमेशा। राजू जमजमा लो गाड़ी और किसी अच्छी से मोबाइल शॉप पर रोको। जमजमा मार्केट मोबाइल लेने वाली है, मतलब जमजमा मोबाइल का मार्केट होगा पाकिस्तान में। लो जी, कार्ड स्प्रिंट होकर आ गए। इतने बेरंगे और सादा कार्ड, जहमत ही क्यों की पाशा साहब ने? अरे सादे कागज पर लिख कर दे देते, हम बांट आते। सिंपल कार्ड छपवा दिए। पता है खानदान वाले कैसी कैसी बातें बनाते, कहेंगे सस्ते कार्ड छपवा लिए, वो भी इतने बुरे। दोनों तरफ से सस्ते में निमट गए। किसी का मूड कार्ड डिजाइन पर चेंज नहीं होगा, दूल्हा बदलने पर होगा। दूल्हा बदल के होगा। अब कुछ नहीं हो सकता है, सब तय हो चुका है। अभी भी वक्त है, मना कर दें चाची। चाची में भी हिम्मत नहीं। हाया को कुछ ज्यादा ही सीधा बताया यार, और उनके फेस पे वो सीधापन जज भी रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वो मुझे फरजाद साहब के लिए एक चीज ड्रॉप करनी है, आप उन्हें दे देंगी? ओह, तो आप यहां मुझसे पहले पहुंच गई हैं। आपने कहा था ना कि आप शर्मिंदा हैं, तो मैं शर्मिंदा? हां, अभी आप कह रहे थे ना यूनि के बाहर कि आप शर्मिंदा हैं, तो मैं भी शर्मिंदा हूं। अब शर्मिंदा भी होती हैं। वैसे बिल्कुल सही कहा था मैंने कि आप ना मुंह से आग निकालने वाले ड्रैगन हैं। मैं यहां पर आपसे फूल बरसाने वाले लहजे में बात कर रही हूं और आप एक मुंह से अंगारे निकाल रहे हैं। वैसे आप जब भी किसी इंसान से बात करते हैं आपको यही लगता है ना कि आपका वक्त जाया हो रहा है। मशीन से निकलकर इंसान बनने की कोशिश करें, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद जैसा फील करें। उम्मीद जैसा फील करें। आपने बताया नहीं, उस दिन जब आप मेरे घर से कूद कर बाहर निकले थे तो ठीक ठाक पहुंच गए थे ना, चोट वोट तो नहीं लगी थी आपको? उस दिन की तुम्हारी गली में आइसक्रीम वाला मुझे देख के हंस रहा था। हाथ पकड़ लिया। I know उस दिन आपकी मेरी वजह से बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो इसीलिए तो घर जाने के बजाय आपके ऑफिस आ गई हूँ आपको सॉरी कहने के लिए। अच्छा, किस बात की सॉरी कहने आई हैं? आपकी फोन वाली बात पर। I know आपने मेरा नुकसान किया है, मगर मैंने भी तो आपका नुकसान किया था। आपका इतना महंगा फोन कुएं में गिरा दिया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पैसों से आपका वो महंगा वाला फोन खरीद। तो ये रहा आपका महंगा वाला फोन, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट, हिसाब बराबर। उम्मीद बहुत जल्दी पैसे खत्म कर देगी यार। अब लाइए मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए। हाँ, वही घड़ी जो आप मेरे लिए लाए थे उस दिन। वो तो मैंने उसी दिन वापसी पर रिटर्न करवा दी थी। घड़ी आपने? असल में उस दिन गुस्सा बहुत आया हुआ था तो मैंने चिल्ला हुआ। आप ये फोन डिजर्व ही नहीं करते। लेकिन मेरा नुकसान ज्यादा बड़ा हुआ था। मेरा नुकसान आपसे ज्यादा बड़ा था, वो मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी। अब मैं भी गिफ्ट ना वापस करवाऊं। अच्छा उम्मीद, अभी लिफ्ट से आया था तो लिफ्ट का कुछ इशू बना हुआ है, आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। चली जाऊंगी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो थोड़ी बहुत उसकी आवाज आ सकती है, तो प्लीज अवॉइड करना। अरे भाई, हंसी आ गई। हंसी तो फंसी दोनों हंसे तो हंसे तो फंसे हंसी तो फंसी नहीं हंसे तो फंसे वाला बेटा, तो हंसी आ रही है। दो यार वापस मोबाइल, लिफ्ट तो चल रही है। कमाल है, झूठ क्यों बुलाया? फरजाद गिर गया है उम्मीद के जाल में। उम्मीद के जाल में नहीं, उम्मीद के प्यार में। जीनत, सबको कार्ड बांट दिए, सिर्फ उम्मीद की खाला का इनविटेशन रह गया, वो तो घर पे ही नहीं थी। घर पे होती कब हैं वो, जब देखें लाहौर पहुंची भी होती हैं। लाहौर ना हो गया, उनका हमसाया हो गया। मैं तो कहती हूं लाहौर जो है ना
बहाना है। अपन लाहौर बोलते हैं और ये लाहौर। कर दे व्हाट्सएप, लेकिन अगर आ गई ना तो बड़ी बात होगी। जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई काम होता है ना, मेरे घर वाले आते हैं। अल्लाह खैर ही करे, वैसे राहत आपा के आने से ना कभी राहत नहीं मिली। उम्मीदें तो कभी उम्मीद से भी पूरी नहीं हुई। घर पे टिक कर बैठिएगा, बहुत काम है घर में। अजान हो गई है दोस्तों, इसी के साथ चच्ची जान को तो अलग ही तप चढ़ी हुई है, उम्मीद पे तप चढ़ी है इनको तो। हया मना किया था ना मैंने तुम्हें, कोई काम नहीं करना घर का। मम्मी कौन सा काम किया है मैंने, सिर्फ टेबल तो लगा रही हूँ, सारा तो खाना आपने बनाया था। कौन सा काम किया, बस सुन लो, जब तक शादी नहीं हो जाती कोई काम नहीं करूंगी, लगाऊंगी दो। मम्मी अच्छा आप लगा देगा, बस खुश हो जाए। बहुत अच्छे, लगा दू मार खा लूंगी, लेकिन इस घर की मेड बनने से बाज नहीं आऊंगी मैं। बस कोई मेड नहीं बनेगा, कल से फुल्ले के लिए मेड आ जाएगी। ओ भाई बदली चाची के फेस तो देखो। आपकी कसम दीने चाची, मेरी झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं। हाँ अरे झूठी कसम नहीं खा रही, सच में मेड आ जाएगी। हाँ वैसे भी ना मेरा तो बचपन से ख्वाब था कोई मेरे पांव दबाए, खिदमत करे, मैं कितना मजा आएगा। चाय आ गई भाई, ये मेरा बच्चा। मम्मी वाह चच्ची वाह, रूम सर्विस वो भी अपने ही कमरे में, अल्लाह ऐसी चच्ची सबको दे। और चाहिए हो ना तो चच्ची से कहना ला के दूंगी। है चच्ची की बटरबाजी अभी तक खत्म ही नहीं हो रही है। वो यूं नहीं आया था, तुमसे मिलने आया था। पहले मैं भी यही समझी, मगर कह रहा था कि इत्तेफाक है, लेकिन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। क्या हेयर कट करा लिया है? लड़के कहाँ बदलते, उनका बस हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है। सही है, तुम्हारा उसके पर्सनल सीन चल रहा है क्या? मेरा किसी से कोई पर्सनल सीन ही चल रहा है? उसके लिए एक अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट खरीदा है, आखिर उसे भी तो बताना है कि उम्मीद कितनी अमीर हो गई है, वरना जो उसकी हरकतें हैं ना उसके लिए मर के भी गिफ्ट ना दूंगा। वैसे कोई आइडिया तो दूं, क्या लूं? चलो बर्थडे गिफ्ट, अरे गिफ्ट तो उसने पहले ही दे दिया। हाँ। अब एक और गिफ्ट देगी, अमीर है यार। अमीर बन गई मतलब। उम्मीद दादी जूस। ओ भाई मेड भी आ गई। तुम्हें समझाता था कि मैं सुबह सुबह चाय पीती हूँ, जूस नहीं, और तुम्हें रोज यही रूटीन फॉलो करनी है। जी समझ गई, मगर अब इस जूस का क्या करूँ, जाके आग बुझान या चच्ची जान को पिला दो। और सुनो मैं हर एक घंटे के बाद ना चाय का कप पीती हूँ, तो याद रखना। जी ठीक है, आप फिक्र ही ना करें, मुझे तो बचपन से ही चाय बनाने का बहुत शौक था। अब सफाई भी सारी मैं ही करूँ, उम्मीद भी तो हट्टी कट्टी है, करोड़पति हुई तो क्या हुआ, काम नहीं कर सकती। दीदी सफाइयाँ करूँ, इस्त्री करूँ, नाश्ता मैं बनाऊँ, सब करूँ। बेगम साहब नाश्ता तैयार है। उम्मीद की तरह ना मुझे भी चलते फिरते उनको बिलीव नहीं हो रहा देने लग गए। नहीं हो रहा उनको। तुम कौन हो? मैं गुड्डी हूँ जी, मुझे उम्मीद बाजी ने नाश्ता बनाने को कहा है। शायद मुलाजमा रख ली है। तब घर का सारा खाना वाना तुम ही बनाओगे? जी अभी के लिए आलू के पराठे, टमाटर की चटनी, और रात के लिए पुलाव, कोफ्ते और शामी कबाब। जी अच्छा भाई ठाट तो चेक करो बेगम साहिबा के। ध्यान से रखना सब कुछ, पाशा साहब ना बहुत सख्त मिजाज है। चलो भाई आप फिक्र ही ना करें, आप लोग फिट आ जाते हैं छोटी सी सावधानी में। पाशा साहब ने सुन लिया ना तो खड़े खड़े निकाल देंगे तुम्हें। सुन लिया मैंने। मेरी गाड़ी को साबुनदानी कह रही हो तुम? चलो यहाँ से दूर हो जाओ। छोटे से साबुनदानी, ये कौन है जो मेरे सामने मेरी गाड़ी को साबुनदानी कह रही है? वो गुड्डी। अरे गुड्डी हो या गुड्डा, मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई नहीं आ सकता। वो तो उम्मीद ने रखा ना उसे। उम्मीद ने रखा? अरे उम्मीद को तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने उसे घर में रखा है। उसने किसी और को रख लिया। हटो। क्या हो रहा है यार ये? ये पाशा साहब नेक्स्ट लेवल यार। कितना रियलिस्टिक यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चाची खाने में जो कुछ भी बना ना जल्दी से टेबल पर लगवा दे, मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर मुझे जाना भी है, मैं फ्रेश होके आती हूं। अरे बच्चे इतनी उजलत में कहां जाना है? वो मैं सोच रही थी कि हया को उसकी शादी की महंगी महंगी शॉपिंग करवा दूं। शॉपिंग? शॉपिंग? उम्मीद मैं भी चलूंगी ना साथ? नहीं चाची बहुत वक्त लग जाएगा, बिला वजह ख्वार हो जाएंगे। आपने मेरी चाय का बंदोबस्त पहले से किया हुआ है, आप दुनिया की बेस्ट चाची हैं। उम्मीद तुम्हारे चाचू ना तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलो चाचू। बहुत दिन हो गए हमने बैठ के कुछ लंबी गपशप ही नहीं की,
सही कह रहे हैं, आज रात बैठते और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। मैं तो अभी से हया की शॉपिंग के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं हया को बता के आती हूँ। गुड्डी मेरे कबाब मुझे कमरे में भिजवा दो और मेरा खाना भी। ओ भाई आपसे ना हो पाए। अरे भाई जब वो खुद शॉपिंग करवा रही तो पैसे कैसे मांग लूं? और मेरे लिए उम्मीद और हया में कोई फर्क नहीं है, और अगर हया के पास भी पैसे होते तो मैं उससे भी कभी ना मांगता। वाह वाह, सारी असूल पसंदियां सिर्फ मेरे लिए ही रह गई है ना। जो करना है ना मैं खुद ही कर लूंगी। मुझे घी चाहिए, अब सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी से? तुम्हें घी क्यों चाहिए? चरागा करना है अपनी जिंदगी। क्या यार, क्या रियलिस्टिक है। कितनी खुश हो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए? तुम्हारा मसला क्या है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी प्रॉब्लम हो, गलतफहमी है। तुमसे तो बात ही करना फिजूल है। अच्छा तो मैं वलीद को बुला देता हूँ, बहुत अच्छी बातें करता है ना। समीर तुम भाड़ में जाओ। ये वो लड़की है ना जो उसके घर पे बैठी हुई थी। वही है। ये भी शायद गिफ्ट लेने आई है। मुझे कोई अच्छी यूनिक सी वॉच दिखाएं, थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे आइडिया दे सकते हैं? मुझे एक अमीर शख्स के लिए एक महंगा सा गिफ्ट खरीदना है। एक्चुअली मैं पहली बार गिफ्ट खरीद रही हूँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं। उन्हें वो सबसे बड़ा वाला वॉल क्लॉक गिफ्ट कर दे। वाह भाई, एक काम करो इसको पैक कर। वो मैं ऑलरेडी पसंद कर चुकी हूँ। देखो अब तुम ये पंगा लेने वाली बात कर रही हो। सॉरी, 2 घंटे के बाद मुझे अपने फियांसे के लिए कुछ पसंद आया है। तुम ये अपने फियांसे के लिए ले रही हो? ये दूसरी लड़की है। चलो फिर एक काम करो, तुम ही ले। वैसे भी मैं जिसके लिए खरीद रही हूँ ना, उसे इसकी कदर नहीं हूँ। थैंक यू, मैं कुछ और देख लूँगी। ये वहाँ पे मिलेगी, उसको पता चलेगा ये तो उसका फियांसे है, फिर ये उलझेगी, फिर ये सोचेगी कि ये इसका फियांसे, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। समझ रहा है, ये हो सकता है। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है इतना? कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे इतना फोड़ भी नहीं होना चाहिए, एक ढंग का गिफ्ट भी खरीदना नहीं आता मुझे। वाकई घोड़े पसंद है उन्हें? हॉर्स से रिलेटेड बुक लेगी मतलब? सोच लिया, मुझे घोड़ा चाहिए। घोड़ा भाई, असली वाला नहीं, कुछ स्टैचू टाइप। ओके ओके, मैं भी थोड़ी देर के लिए सोच रही थी कि घोड़े की पेंटिंग चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। तो फिर सही है, मैं बना लेता हूं। अच्छी वाली चाहिए, घास खाते हुए घोड़े की बना दो, धमाल वाली। हां हो जाएगा। पक्का ना? पक्का। तुम अपने भाई को बहुत हल्का समझ रही हो। चलो अमीर, तुम्हारा तो मसला ही हल हो गया। उसके भाई से पेंटिंग बनवा देगी यार, वो पेंट आर्टिस्ट है यार, आर्टिस्ट है वो, उसकी हॉबी है और पैशन भी। तुम शादी कर लो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कल रात 8 बजे घर पे होना। कल रात में ही मीटिंग है। मैंने तुम्हारी असिस्टेंट से बात करके उस मीटिंग का टाइम चेंज करा दिया। इतनी है मेरी असिस्टेंट, मेरे से ज्यादा आपसे रास्ते में क्यों रहती है? ये बात क्या है? कल कुछ भी नहीं, मुझे तुमसे काम है इसलिए तुम यहाँ होगे। शादियाँ रिश्ते की बात तो नहीं फिर? Not at all. तुम हर बात में इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों करने लगते हो? Just be there, क्योंकि you are my जानू प्यारा वाला बच्चा। और तुम्हारा वो लिप ग्लॉस कहाँ है, ब्लैक वाला? उम्मीद रेडी हो चुकी है पार्टी के लिए। पाउडरी करी है, पाउडरी। मैंने कल ज्यादा मेकअप तो नहीं कर लिया, ठीक तो लग रही हूँ ना? बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। मुझे लग रहा है ज्यादा लंबा हो गया, चेंज कर दूँ? नहीं, तुम्हें हील्स पहनेंगी, तुम्हें सही तो लग रहा है। पक्का ना? शादी तो हया की नहीं, शादी तो हया की हो रही है आगुजान। तो तुमने अपना नाम हया कब से रख लिया? भाई ये जा रही है ना, तैयार हो रही है। छोड़े ना आगुजान इन सब बातों को, मुझे ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत प्यारी, बिल्कुल मेरी जवानी का दूसरा रूप। आगुजान तारीफ करने के लिए कहा था आपने, तो जमाना बना दिया। तो तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, हो गए चस्के तुम्हारे। अब जाओ जाकर पता करो समीर ने पेंटिंग बनाई है कि नहीं बनाई। बहन जाती हूं मैं। ड्राइवर ने क्या बेइज्जती करी थी यार, ये छोटी कार में नहीं चलाऊंगा। पैसे दे दे, पेट्रोल डलवाने। ये लो। ओ पैसा मान लेता है ये, कम का डलवा देगा ज्यादा पैसे लेके, है ना? हया ध्यान रख रही है उसका, देख। क्या है, कूद क्यों रही हो? तुमने कल रात ही पैसे दिए पेट्रोल के, हाँ तो आज खत्म हो गया होगा। हम कल के अब निकले हैं, कैसे खत्म हो सकता है? छोटी मोटी बातें सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास, और अब अमीर हूँ गरीब नहीं हूँ मैं। ओ भाई। और वो गुड्डी बहुत ही दूर हो से तुम। हया प्लीज, मेरा मूड बहुत अच्छा है, खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम फरजाद के लिए एक्साइटेड क्यों हो रही हो? फरजाद के लिए नहीं, समीर ने जो पेंटिंग बनाई ना उसके लिए।
जाएगा, उसको भी तो पता चले मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। वो इस बात को लेकर खुश है कि उसने गिफ्ट बहुत अच्छा डिसाइड कर लिया जो उसको पसंद आ नहीं है। पेंटिंग देखेगा ना तो हैरान हो जाएगा, ऐसे पहली बार इस खोटे सिक्के ने ना कोई ढंग का काम किया है। खुश हो गई हूँ आज मैं समीर से। Come my most favorite girl. चलो सुन लो, मोस्ट फेवरेट गर्ल। वाओ, उम्मीद भी किसी की फेवरेट हो सकती है। आई मेरा तो दिल चाहता है मैं बिल्कुल उम्मीद जैसी हूँ, जो मेरा दिल करता वो ही करती, वो ही कह देती, अपनी मर्जी की मालिक। ओह भाई, बाय द वे लगता है बहुत ही कोई स्पेशल गिफ्ट आया भाई के लिए। जी बहुत स्पेशल। वैसे तुम्हारे भाई साहब है कहाँ? यार वो अभी तक आए ही नहीं है। शुक्र है कुछ वक्त तो अच्छा गुजरेगा। हाँ ये वही लड़की है, इसका रिश्ता का पक्का हो गया भाई। नहीं उसने खुद से कर लिया पक्का अपने मन में। Excuse me? Hi. ये यहीं से नहीं चली जाए। तुम तो वही हो ना, तुम यहाँ कैसे? उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट। तुम बताओ कि तुम मरियम के घर पे क्या कर रही हो? ये मेरी आंट का घर है। अब तुम कहीं ये तो नहीं बोलोगी कि फरजाद ही तुम्हारा फियांसे है? हाँ फरजाद ही मेरा फियांसे है। शौक लगा 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 शौक लगा लगा। तुम फरजाद को कैसे जानते हो? अपने बारे में भी कुछ बताओ। मैं उम्मीद पाशा हूँ और मैं फरजाद की कुछ भी नहीं लगती। शुक्र है कि मैं उस पत्थर दिल इंसान की कुछ नहीं लगती, मैं सिर्फ मरियम की दोस्त हूँ। ये तुम फरजाद के लिए लाई हो, क्या है इसमें? पेंटिंग है ये। और नहीं मैं ये फरजाद के लिए नहीं लेके, मरियम के लिए लाई। तुम्हें पता है फरजाद को पेंटिंग्स बहुत पसंद है। क्या मैं प्लीज तुमसे ले लूँ? तुम भले से मुझसे पैसे ले लो, तुम जितने चाहे पैसे ले लो। हाँ क्यों नहीं। ओ भाई सिर्फ 1 करोड़ में ले लो। एक करोड़? हाँ क्यों नहीं है तुम्हारे पास? मेरे पास है इसलिए तुम फ्री में ही रख लो। अरे यार आफ्टर ऑल तुम फरजाद की फियांसी हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसका फेवरेट गिफ्ट उसे दो। थैंक यू। अरे भाई ये तो यार और देखना मुझे। अगला एपिसोड देखेंगे अब जल्दी ही। आ उम्मीद को देख के लग रहा है भाई उम्मीद को प्यार हो गया फरजाद। मैंने बोला था ना वही वाला सीन होगा, मुझे पहले से मुझे लग रहा था ये कुछ होने वाला है। सही बात है यार, मजा आ गया देख के यार, सच में मजा आ गया, रियली ऑसम यार। सीरियल काफ़ी अच्छा जा रहा है अब तक, अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और उम्मीद को ये अब तक नहीं मालूम चला है कि यार उसका भाई भी हया को लाइक करता है, तो वो कब पता चलेगा वो भी मुझे देखना है। तो देखते हैं क्या होता है। आप बताओ आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।